तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल डॉट सोनाली। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज। मैं सोनाली आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बाबू के हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया, स्कूल में रौनक लगाया है बोल रहा है। तो अभी ये रहे रौनक। रौनक भैया को चोट क्यों लगाए हो? अच्छा, तो गाइज अभी ना मैं चली गई थी आज, थोड़ा इन लोग के स्कूल में मेरा काम था थोड़ा एडमिशन के सिलसिले में, तो पेमेंट बाकी रह गई। अच्छा जहाँ दो क्या, मैं ब्लॉग बना लूँ हो जाएगा, मैं बैंडेज लगा दूंगी बेटा मेरा। तो थोड़ा स्कूल में एडमिशन के लिए गई थी मैं, इन लोग का एडमिशन तो मैं उस दिन करा दी थी, बट थोड़ा बहुत सा पेमेंट ना रह गया था तो आज वही देने गई थी मैं आज, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया फ्रेंड। आज 5 तारीख हो गई, तो क्लासेज इन लोग की कब से लग रही हैं, तो इसलिए फिर मैं पेमेंट इन लोग का देने गई थी आज, और बुक्स भी लाने थे तो फिर मैं बुक्स भी लेके आई हूँ इन लोगों को। अभी नहीं खाना है, धो के खाना। नहीं तुम हाथ नहीं धोते हो? अच्छा, तो गाइस जो अभी ना मैं इन लोग का बुक्स लेके आ रही हूँ, और ये देखिए बुक्स, एक लिफाफा है आज बुक्स ना, मतलब एक लोग को ही मिला है, एक को नहीं मिला है अभी, क्योंकि ना बुक्स में गई जब ना तो वहाँ पे लेट हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया बुक्स, दूसरी बार आएगा फिर मिलेगा, इसलिए फिर मैं लाओ ना मुझे, तो वहाँ पे चाकू है ना, वो चाकू भी लेके आओ, जाओ वहाँ पे बाहर बाहर पड़ा रहो ना, बाहर ही पड़ा था। तुम कुर्सी लेके आ जाओ, बैठ जाओ, चलो कोई नहीं बैठ जाओ। तो अभी मैं इन लोगों का एक बुक्स, एक सेट लेके आ गई हूँ मतलब, और बहुत ही महंगी किताबें मिलती है फ्रेंड, आप सभी को पता ही है। और बच्चों को खाने के लिए मैं लेके आई हूँ एक नमकीन का पैकेट। और मैंगो भी लेके आई हूँ मैं इन लोगों के लिए, धोखला चाकू गंदा लगा है। अच्छा से धोखला ना, हाँ। तो अभी ना मैं इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए ना तो बुक्स में लेके आ चुकी हूँ, और साथ में मैं मैंगो लाई हूँ, तो मैं सोची चल बच्चे खा लेंगे, खुश हो जाएंगे। तो अभी मैं जब आई थी इन लोग की बस यहाँ पर छोड़ के निकल गए, लेट हो गया। मम्मी कल छोड़ के चला गए थे आंटी घर, तो वही बच्चे मेरे बोल रहे कि तुम एक बार और छोड़ के आंटी के घर चली गई थी, और आज छोड़ के टांगे चली गई। हाँ, तो कल पक्का नहीं जाना? नहीं पक्का नहीं जाना, कल नहीं जाना, पीछे ला दूंगा फिर मैं दौड़ के आऊंगा। ना ना मैं कहीं नहीं जाना। तो अभी मैं बच्चों को ना गाइस आम काट के दे देती हूँ खाने के लिए। हाँ, बहुत खट्टा लगा। तो गाइस अभी मैं बच्चों को आम काट के दे दी, वहाँ पे चटाई पे बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि अगर इधर उधर खाएंगे ना तो फिर सारे जगह पे मीठा मीठा हो जाएगा, जिसके करके मैं बच्चों को वहाँ पे दी हूँ। तो बच्चे खुश हो गए मैंगो। अच्छा मैम जी, मैम बोला हूँ। हाँ मैम जी, तो मैम नहीं है, मम्मी बोले टेस्टी है। हाँ। मीठा लग रहा है, मीठा है कि खट्टा? मीठा खट्टा, मीठा खट्टा दोनों है। तो अभी बाय बच्चे खा रहे हैं फ्रेंड, तो चलिए गाइस अभी बच्चे खा लेते हैं, फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ, और बुक्स में क्या क्या है वो आप सभी को दिखाऊंगी। इधर देखिए कलर, कलर ये ब्लू है शायद, इसका जो बनाते हैं ना थोड़े बहुत से डिजाइनिंग वगैरह, इसीलिए ये ब्लू का दिया डब्बा, और इसमें एक डब्बे रंग का है, और एक पेंसिल का पैकेट है, और बस दो चीज़ इसमें है, और एक थोड़ा एप्लीकेशन लिखना रहता बच्चों को ना वो है। तो इतनी ही बुक्स लाने में फ्रेंड कम से कम मैं आपको बताऊँ बहुत ही ज़्यादा पैसा लग गया।
तो एडमिशन करा के और बुक्स वगैरह लेके ना 16 के लगभग मेरा हो चुका है काम, 16 लग चुका है। अब 16 के आगे नीचे रख दो सर में, 16,000 के करीब लग गए मेरे पैसे। बट कोई बात नहीं है, बच्चे पढ़ लेंगे, पैसे वसूल हो जाएंगे मेरे। अभी बच्चे मैंगो खा रहे हैं और बहुत ही मतलब क्रिटिकल हो गया फ्रेंड बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना। और सरकारी स्कूल में वैसी व्यवस्था नहीं है जैसी मिल जाए, अगर वहाँ के भी टीचर अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगे ना फिर टेंशन फ्री हो जाए, है ना, प्राइवेट और सरकारी का भेदभाव ही ख़त्म हो जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ ले, इतना ही बड़ा है। मैं बुक्स वगैरह लेके आ गई हूँ और इतना ही लगा है, अभी एक सेट बुक्स और लाना है तो उसका पैसा भी। तो बच्चा बोल रहा है कि उतना सारा कॉपी मत लेके आना, मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, थक जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स है फ्रेंड, इतने सारे बताइए, 6-6 कॉपियाँ लगी हैं, 6-6 बुक्स लगी हैं इनको, तो 6-6 कॉपी का होमवर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता बच्चे के लिए। बट कोई बात नहीं, तो आप सभी को पता है, भैया को भी दे दे रौनक, मैं दे रही हूँ, रुको, तो मिलती हूँ फ्रेंड थोड़ी देर के बाद।